हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर घर की कहानी विद कंचना। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ रेसिपी टाइम में। तो आप क्या बोर हो चुके हैं नमकीन बिस्किट चाय के साथ खा खा कर? तो या आप स्पेशल रेसिपी बनाइए मठरी। तो देखिए, तो इसके लिए हमें चाहिए गाइस मैदा और लुक वार्म वाटर, घी, घी का ही आप मोयन डालिए, जीरा, बेकिंग सोडा, सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मठरी में आप थोड़ा हल्का ही सॉल्ट डालिए तभी अच्छा लगता है। तो चलिए हम तैयारी गूँथ लेते हैं इसको। फिर ये देखिए, आप इस तरीके से सॉफ्ट डो बनाइए। और हमने घी गर्म करने के लिए रख दिया है मटरी। जितना हो सके आप घी में ही बनाएं तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है गाइस। तेल का कम इस्तेमाल क्या करिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ऑलिव ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉफ्ट डो बना लिए हैं और अब इसको बेल लेंगे। बेलन की सहायता से आप बेल लीजिए। और कोई भी आपके पास अगर कटर है, गोल चौकोर, जैसे गोल ही मट्टी अच्छी लगती है तो आप गोल कटर से काट लीजिए, नहीं तो गिलास से काट लीजिए। और ये देखिए हमने तल लिया। और इस तरीके से आप तल लीजिए और बहुत ही स्वादिष्ट मठरी बनती है इस तरीके से आप बनाएंगे तो। और एक दो महीना आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी गाइस आया तो आप उसको दे सकते हैं, मेहमान कोई भी आए तो, आप चाय के साथ कभी भी भूख लगे तो स्नैक की तरह आप इसको खा सकते हैं। और बाज़ार से भी अच्छी स्वादिष्ट मठरी आप अपने घर पर खुद बनाइए, खुद खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए ये मेरी बेटी, इसको बहुत पसंद है, ये बहुत ही जल्दी उठाती है और खाने भी लगती है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और खाइए मठरी। ओके गाइस, तो कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी? बहुत ही अच्छा और खस्ता कुरकुरा बनता है इस तरीके से आप बनाएंगे तो, और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप 1 मंथ तक गाइस इसे आप स्टोर कर रख सकते हैं और रोज़ाना जब भी आपका मन करे कुछ भी खाने का तो आप खा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जाने के पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।